अभी हम ये पीपीएससी ऑफिस के बाहर खड़े हैं भाई। अभी इंटरव्यू दे के हैं असिस्टेंट डायरेक्टर पॉपुलेशन वेलफेयर का, तो हम जरा इनसे पूछते हैं इनका इंटरव्यू कैसा हुआ और कैसा एक्सपीरियंस लिया और रिटर्न की तैयारी कैसे करते हैं। सर आप पहले बताएंगे आपका नाम क्या और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं इरफान खान जंग से तलब रखता हूँ और मैं यहाँ पर जॉब करता हूँ SNGD बतौर स्टूडेंट। ठीक है, तो आज का इंटरव्यू शॉर्ट था, कुछ उन्होंने क्वेश्चन मुझसे किए हैं, एक आध क्वेश्चन का मैं जवाब नहीं दे पाया। उसमें उन्होंने मुझसे पूछा ई गवर्नेंस क्या है, गुड गवर्नेंस क्या है। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जो है उन्होंने एक इनिशिएटिव दिया हुआ है, सिटीजन पोर्टल बनाया है, उसका क्या काम है, उसकी क्या करना है, तो सर मैंने बताया। फिर उन्होंने मुझसे पूछा जनाब कि कोरोना वायरस की वजह से जो पाकिस्तान को आर्डर मिल रहे हैं हम क्या हम इसको मैनेज कर पाएंगे। मैंने कहा जी बिल्कुल कर पाएंगे, क्योंकि टेक्सटाइल सेक्टर आज नहीं बनाए, काफ़ी लेस हो गया, तो हम ऑर्डर डबल भी हो जाए तो हम कर पाएंगे, क्योंकि अब बिजली भी है, सब कुछ है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप फैमिली प्लानिंग किस तरह करते हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि हमें इंटरसेप्टर देने चाहिए, लोगों को इंसेंटिव देने चाहिए, एजुकेशन देनी चाहिए, पॉवर्टी को कम करना चाहिए, उलमा की मदद देनी चाहिए, प्लानिंग और करने की जरूरत है और अवेयरनेस के पेन चाहिए। सर आपकी 100 नंबर के मार्क्स में स्ट्रेटजी क्या होती है? आप पहले भी PPSC के थ्रू रिकमेंड हुए थे। मेरी ये स्ट्रेटजी होती है कि जब हर क्वेश्चन अलग से पढ़ा जाए, जनरल नॉलेज है तो जनरल नॉलेज तैयार करें, इसका मैथ है अलग से तैयार करें, इंग्लिश अलग से तैयार करें, इसी तरह से जितने सब्जेक्ट हैं उनको प्रॉपर प्रायरिटी देकर आप तैयार करेंगे तो कब आप एक बुक से तैयारी उसके तो नोट्स बना कर रखें, अपनी तैयारी भी करना करें और पेपर देते रहे था पढ़ते हैं। और इससे 100 नंबर का जो पेपर होता है उसके बाद इंटरव्यू कितना मैटर करता है इसमें? इंटरव्यू की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। इंटरव्यू के लिए आपको चाहिए कि आप मुकम्मल तैयारी करें, आपकी भी सब्जेक्ट ब्रेक होनी चाहिए और आप वहाँ पे थोड़े से परेशान ना होंगे, आप किसी ने पूछ करें कोई मसला नहीं है, सवाल आपके जवाब नहीं आती, आपको थोड़ी कर कोई सुनिए कॉन्फिडेंस की वजह मैटर करता है वहाँ पर जाकर कोई मसला नहीं। तो जो लोग जवाब कर रहे होते हैं उनको कैसे कॉन्फिडेंस होता है, जो लोग नए होते हैं उनको थोड़ा मसला होता है, इसलिए चाहिए थोड़ा सा सुकून से इतमान से बैठ कर अपने आप को रिलैक्स करके जवाब दें। चलें सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू।